अमरोहा के हसनपुर में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से ज्यादा मरीजों की जांच कर दवाइयां वितरित की गई। अमरोहा के हसनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर के सीएससी केंद्र पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संजय अग्रवाल ने किया। इस दौरान विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के संयोजन में आयोजित मेले में अमरोहा के चिकित्सक पहुँचे। करीब 600 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाई वितरित की गई। मेले में आयुष विभाग, शिक्षा विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, ग्रामीण व शहरी विकास विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, आयुष्मान भारत, पंचायती, पशुपालन, कृषि, आंगनबाड़ी आदि के स्टॉल भी लगाए गए। 6 दिन है तो 6 ब्लॉक है हमारे, रोजाना एक मेला लगाया जा रहा है। इस क्रम में हसनपुर में जो है आज मेला लगा हुआ है। इसमें जो है जो जिला स्तरीय चिकित्सकीय परामर्श है उसके साथ जाँचे है, इसके बाद दवाइयाँ है, जितनी भी अन्य सुविधाएं हैं उन सबको एक छत के नीचे देने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार की, सबका विश्वास, सबका आधार पर ये जो मेला हालात में लगाए जा रहे हैं। इसमें होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, इन सबका अलावा अन्य विभागों के लोग हैं, जो आंगनबाड़ी, ये खाद्य रसद विभाग, और ये जो टीबी है, लेप्रोसी है, इन सब विभागों के अंदर काउंटर लगाए हुए हैं, जिसमें जानकारी है। और किसी की भी दवाई ना, क्योंकि किसी को कोई समस्या हो तो तुम्हें संपर्क में इस तरह किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल को नहीं लगाया जाता। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए रोकथाम के लिए कर रही है, मेरे को उसके उपाय नहीं देना, सैनिटाइजर ना, मास्क की जरूरत है, तो क्या करें? कोरोना में जो जैसे गाजियाबाद, मेरठ और ये नोएडा में अभी थोड़ा प्रकोप है, यहाँ पे 3 एक्टिव केस है अमरोहा में, तो ज़्यादा अच्छे जो है यहाँ भी अभी मास्क भी कंपलसरी नहीं किया गया है, पर जो है उसकी तैयारी चल रही है। जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है, कंसंट्रेटर है, उनको जो है मॉकड्रिल करा के एक्टिवेट किया जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना की वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन जो मेन फिगर है, जो जिसके द्वारा जो कंट्रोल होगा, ये वो हो रहा है। स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है हमारे अस्पताल हसनपुर में। ये मेला ये है कि हमारी जितने रोग चल रहे हैं उस हर रोग का इलाज हमारे हसनपुर अस्पताल में मुफ्त में है, मगर हम लोगों को उसकी जानकारी ना होने के कारण हम इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिए लोगों को भटकना ना पड़े इसकी जानकारी आज पूरे स्वास्थ्य कि जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, जितने भी रोग चल रहे हैं, उनकी यहाँ स्टॉल लगे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि कुछ लोग को हमें कैसे नहीं पनपने देना, टीबी को हमें कैसे समाप्त करना है, अन्य रोग जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, आँखों का भी डॉक्टर है यहाँ, लैब भी है, और बाहर से भी डॉक्टर बुलाए गए हैं, आज निःशुल्क है सब कुछ, और इसमें किसी को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बस इसको हमें समझना है, समझने की बहुत आवश्यकता है। आज मेले के द्वारा सबको जागरूक किया गया है, और यहाँ पर जितने भी बताया गया कि किसी को आयुष्मान कार्ड बनवाना है, तो आयुष्मान कार्ड बनने पर प्रत्येक जिसको आयुष्मान कार्ड होगा उसको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज होगा पूरे परिवार का। ऐसे करके हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बने। जिसका अंत्योदय का कार्ड होगा, BPL का कार्ड होगा, उसका आयुष्मान कार्ड आसानी से बन जाएगा। जिसके भी इस तरह के कार्ड हैं वो तत्काल अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें, जिससे पूरे परिवार का एक कवर्ड हो सके। वो आयुष्मान कार्ड एक ATM की तरह हमारा काम करता है, हर गरीब की मदद करता है, पूरे परिवार को बचाने का काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मेला लगवा कर हर ब्लॉक स्तर पर, हमारे जिले में 6 ब्लॉक हैं, हमारे ब्लॉक में 6 के 6 ब्लॉकों में इस तरह का मेला लगाया जा रहा, जिससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की जितनी योजना चल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 3 लोग घायल हो गए। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर जुबिलेंट फैक्ट्री के नजदीक मुरादाबाद की दिशा से आ रही कार को पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दूसरी दिशा में कार पलट गई। कार चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी दिशा में जाकर पलट गई, जिसमें बैठी 3 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया। पूरा मामला नेशनल हाईवे किनारे स्थित जुबिलेंट फैक्ट्री के नजदीक का है, जहां पर सुबह बरेली से अपनी कार
बैलागों में सवार होकर दिल्ली जा रहे विमल कुमार और नितिन कुमार की कार में पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। कार को चालक शिवम चला रहा था। कार सवार युवक नितिन कुमार ने बताया कि चालक सहित वह तीनों जनपद बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के निवासी हैं और किसी काम से दिल्ली जा रहे थे। जैसे ही वह लोग जुबिलैंड फैक्ट्री के नजदीक पहुंचे तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। वो हमसे पैसे ले लिए ना, हमें पट्टा दिया ना हमारे पैसे दिए जा रहे और मांगने ले जाते ना मानने पड़ता है। कहता जा चलन से पड़ता है, मैं मारूंगा कि पैसे लेने को आपने। साहब हम बहुत दुखी हैं, इसलिए आपके शरण में आए हैं। हमें एक चित्त मिलनी चाहिए कि हमारे पैसे मिलने चाहिए, हमें पट्टा मिलना चाहिए। कितना समय हो गया? समय बहुत कम से कम 2 साल होने को आए। तो अब क्या कहता है वो? कहता जा तुझे ले 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 जा कहीं भाग ले, तुझसे कुछ ना होने का। जा सर मैं बताओ कहाँ जाऊँ सर, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं आया हूँ, मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अमरोहा की हसनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अमरोहा की हसनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें गुरुवार को खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान आरोपी वसीम पुत्र अकील निवासी गांव शकरगढ़ी थाना तहरा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी के पास से एक तमंचा 315 बोध, 2 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत देर रात्रि थाना हसनपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश जिसका नाम वसीम सन ऑफ अकील निवासी शकरगढ़ी रहने वाला है, जिसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है, जो जनपद संबल से 5,000 रुपये का इनामी है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर विभिन्न जनपदों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। अमरोहा के हसनपुर में SDM व CO द्वारा पुलिस बल के साथ आगामी ईद के त्योहार को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। अमरोहा के हसनपुर में आगामी त्योहार को लेकर SDM CO समेत कोतवाली प्रभारी ने पैदल मार्च कर वाहनों की चेकिंग की और लोगों को जागरूक करते हुए शांति व्यवस्था भंग करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी। आपको बता दें, गुरुवार की शाम को SDM सुधीर कुमार व क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे समेत कोतवाल पी के चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल मार्च किया, जहां कोतवाली से प्रारंभ होकर नगर के अंबेडकर पार्क मेन बाजार होते हुए विभिन्न मार्गों पर मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर दिशा निर्देश दिए और जनता से आगामी त्योहारों के संबंध में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। अमरोहा के हसनपुर कॉलेज में छात्र छात्रा को इंस्पेक्टर विपिन कुमार तोमर ने महिला अपराधों के प्रति जागरूक किया। वहीं उन्होंने बारीकी से समझाते हुए 112 डायल पुलिस तथा महिला अपराधों में 1090 एवं 181 पर कॉल कर सहायता लेने का आश्वासन दिया। वहीं कॉलेज में परीक्षा आदि भी कराई गई। गुरुवार को सैदनगली थाना कस्बे के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सब इंस्पेक्टर विपिन कुमार तोमर ने छात्र छात्राओं को महिला अपराधों के बारे में जागरूक किया। साथ ही साथ उन्होंने छात्राओं को 1090 व 181 नंबर पर कॉल कर सहायता लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी भी परिस्थिति में परेशानी में हो तो तत्काल उक्त नंबर पर कॉल कर 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस मदद मिल जाएगी। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।